नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फेस्ट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं लोकोक्ति के पार्ट नंबर 4 हिंदी व्याकरण का वीडियो, जो आप सभी के लिए बनाए जा रहे हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुरू करते हैं 63 नंबर लोकोक्ति, बिल्ली के भाग से छिंका टूटा। अर्थ होता है कार्य में संयोगवश मिली सफलता। वाक्य प्रयोग में देखें तो प्रतिपक्ष के लोग कुछ देर पहले ही गए थे, वरना आज भयंकर रक्तपात होता। बिल्ली के भाग से छींका टूट गया है और उन्हें स्वयं को बहादुर साबित करने का मौका मिल गया। 64 नंबर हमारे पास लोकोक्ति है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मूर्ख व्यक्ति उत्तम वस्तु का महत्व नहीं समझता। वाक्य प्रयोग में देखें तो उन्हें विधानसभा में बैठने का अवसर मिला और वे जोर जोर से चीखने लगे, सच है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। 65 नंबर लोकोक्ति है, मान न मान मैं तेरा मेहमान, न चाहने पर भी गले पड़ना। वाक्य प्रयोग देखें तो जब वे तुम्हें अपना रिश्तेदार नहीं मानते तो तुम क्यों मानते हो, यह तो वही बात हुई, मान न मान मैं तेरा मेहमान। 66 नंबर लोकोक्ति है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण लोकोक्ति है, अच्छी भावना वालों के लिए हर जगह तीर्थ है। वाक्य प्रयोग देखें तो तीर्थ स्थानों में जाकर स्नान करने से क्या होता है, जहाँ मानो वहीं तीर्थ है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। नेक्स्ट में देखें 67 नंबर लोकोक्ति, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, तो मुख्य व्यक्ति निष्क्रिय पर सहयोगी का सक्रिय होना। वाक्य प्रयोग में देखें तो स्थानांतरण के लिए रोज कहते हो, भाई मैं तो चलने को तैयार हूँ, तुम्हें ढील दे रहे हो, यह तो वही हुआ, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। 68 नंबर लोकोक्ति है, रस्सी जल गई पर ऐंठ न गई, तो अर्थ देखें शक्ति समाप्त होने पर भी व्यर्थ का घमंड। तो हर प्रसाद के पिता से जब तुम आज भी मिलकर देखना, उसी तुनक में मिलेंगे, जबकि सब कुछ लूट चुका है, सच है रस्सी जल गई पर ऐंठ न गई। 69 नंबर देखें तो लातों के देव बातों से नहीं मानते। वाक्य का अर्थ है वो देखें तो दुर्जन प्रेम की भाषा नहीं समझते, तो ये इसका हिंदी अर्थ हुआ। और वाक्य प्रयोग में देखें तो दरोगा ने कहा, लातों के देव बातों से नहीं मानते, लगाओ इन चोरों को दो दो डंडे। 70 नंबर लोकोक्ति है, मुंह में राम बगल में छुरी, तो कपटपूर्ण आचरण करने वाला व्यक्ति। वाक्य प्रयोग में देखें सीता की पड़ोसिन तो मुंह में राम बगल में छुरी वाली औरत है। 71 नंबर हमारे पास लोकोक्ति है, हाथ कंगन को आर से क्या, तो प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और वाक्य प्रयोग में देखें तो गहने तुम स्वयं देख लो, हाथ कंगन को आर सिक्या। 72 नंबर देखें तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो कपटपूर्ण व्यवहार होना। वाक्य प्रयोग में देखें तो आजकल कुछ समाज से भी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और का सब व्यवहार करते हैं। 73 नंबर लोकोक्ति है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, तो महान व्यक्ति की पहचान बचपन में ही होने लगती है। वाक्य प्रयोग में देखें तो देखो तो किस तरह एक एक चिंटी के दाने को बिन रहा है, तुम्हारा बेटा बड़ा होकर बड़ा किफ़ायत वाला बनेगा, होनहार बीरवान के होत चिकने पात। 74 नंबर लोकोक्ति हमारे पास है, हल्दी लगे न फिटकरी रंग चोखा आए, तो इसका हिंदी अर्थ देखें तो बिना कुछ खर्च किए लाभ की आशा। रामजीत को बिना परिश्रम के अच्छा लड़का मिल गया, लड़की सुख पाएगी, उसके साथ तो ऐसा ही हुआ है, जैसे हल्दी लगे न फिटकरी रंग चोखा आए। 75 नंबर लोकोक्ति है, होम करते हाथ जलना तो अच्छा कार्य करते कष्ट पाना। वाक्य प्रयोग में देखें तो रामदीन सेठ गरीबों को कंबल बांटने निकले थे, रास्ते में दुर्घटना के शिकार हो गए, इसे कहते हैं होम करते हाथ जलना। और लोकोक्तियों में लास्ट हमारी लोकोक्ति रहेगी, दीवारों के भी कान होते हैं तो बुराई छिपाने से नहीं छिपती। और वाक्य प्रयोग में देखें तो रमेश धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये लोकोक्तियों का पार्ट नंबर 4 आपको कैसा लगा? दोस्तों, हमारे वीडियो आप सभी दोस्तों तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। हिंदी व्याकरण हमारे YouTube पर चल रही है, आपको कैसी लग रही है हमारा ये प्रयास, हमारा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो आप सभी दोस्तों तक हमारे वीडियो पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा उत्साहवर्धन करें, जिससे हम और आगे हमारे चैनल को बढ़ाने में सफलता प्राप्त करें। और आप सबका सहयोग ऐसे ही बना रहे, स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने घर पर रहें। संकटपूर्ण जो समय है, इसका
आप होशियारी से और बहादुरी से सामना करते रहें। यही हम मंगल कामना करते हैं कि आप सब स्वस्थ रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यही मंगल कामना करते हैं और आप सबके सुखी होने और खुश रहने की कामना करते हैं। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।